नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा जो विषय है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय जो है वो गर्भिणी से जुड़ा है। भले ही ये हम लोग गर्भिणी में ये करेंगे, बट आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सा व्याधि है जो हर एज में और हर प्रकार से, हर रूप से जो ये किया जाता है, यानी पाया जाता है, जो एक बहुत ही कॉमन सा है। और जैसे कि जिसमें अगर हम लोग विचार करेंगे तो कई सारे एक आम तौर पर जो इनडाइजेशन के सारे कारण होते हैं, वो सारे कारण इस व्याधि में भी होते हैं। और इनडाइजेशन के साथ अर्श पाइल्स, ये अग्निमांद्य का ही परिणाम है। और अग्निमांद्य के कारण ही आगे जाकर पाइल्स अग्निमांद्य से ही बनता है। गर्भिणी महिलाओं में क्यों पाइल्स डेवलप होता है? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि गर्भावस्था में महिलाएं आ जाती है पाइल्स को लेकर। तो पाइल्स गर्भावस्था में होने के कुछ खास कारण है क्या? क्या इन कारणों का हमें विचार यहाँ पे किस प्रकार से करना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं निश्चित रूप से वो बताना चाहूंगी। एंड जैसे इसमें फिर स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, आई होप कि किस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा अगर विचार करें कि क्यों यहाँ पे पाइल्स देखा जाता है, क्या इसके कारण है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बताना चाहती थी आपको, इसके इमेज के साथ बताना चाहती थी कि किस प्रकार से, क्या प्रेशर कैसे, किस प्रकार से। देखिए, जैसे कि रेक्टम और अगर एनल कैनल की रचना को देखा जाए तो इस प्रकार से जो ये हमारा गुद है, और जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो उसका गर्भाशय है, गर्भाशय में गर्भ पलता है, और गर्भाशय में गर्भ पलने के साथ साथ इसका एक प्रेशर इस पर आ जाता है, मूत्राशय पर, मलाशय पर, सभी ऑर्गन्स पर आ जाता है। और इस दबाव के साथ ही यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से इस दबाव के कारण ही वहां की जो सिराय है वो फूल जाती है। सिराय फूल जाती है तो जो मल, जिस प्रकार से यहाँ पे जो गुद की वलिया होती है ना, यहाँ पे गुद की तीन प्रकार की वलिया होती है, प्रवाहनी, संवरणी और विसर्जनी। तो इस वली के साथ साथ, इस वली के साथ साथ जैसे मल का विसर्जन हो जाता है, और अगर जैसे कि मल यहाँ से पास हो रहा है, मल पास होते समय गुद का संकोच और विकास किया जाता है। गुद का संकोच और विकास होने के लिए जो यहाँ की जो मसल्स है, ये जो वलैया है, इनका भी संकोच विकास किया जाता है। बट जैसे कि ऑलरेडी गर्भाशय का इस पर दबाव है, दबाव के कारण सिराय फूल गई है, और इस फूली हुई सिरा के साथ जब मलाशय से मल आगे आता है और गुद से उसको बाहर निकाला जाता है, तो इसका प्रेशर जो है, प्रेशर के कारण फिर कॉन्स्टिपेशन, यानी दबाव पड़ने के साथ पहले तो मल ठीक से नहीं निकाल पाएगा, शरीर से नीचे नहीं आ पाएगा मल, और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से प्रेशर पड़ने के साथ सिराय फूल जाती है। सिराय फूलने के बाद इन जो यहाँ की वेन्स है, ये वेन्स भी फूल जाएगी, और इसी के साथ साथ निश्चित रूप से ये जो पाइल्स है ये डेवलप होता है। यहाँ पर पाइल्स की कुछ संप्राप्ति में इस प्रकार से आपको बताना चाहूंगी कैसे पाइल्स कैसे डेवलप होता है। जैसे मैं बता रही थी कि क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके अलग अलग कारण है। वैसे तो देखिए, पाइल्स दो प्रकार का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। इसी के साथ साथ एक पाइल्स को या हिमोराइड्स को वेरिकोज वेन्स के साथ भी कनेक्ट किया गया है, यानी गुद। अभी जैसे मैंने बताया आपको, गुद, एनस, रेक्टम, इसकी जो वेन्स है वो फूल जाती है, और ये वेन्स एनलार्ज होती है, बल्जिंग होती है, और ब्लड वेसल के बाहर या एनस के बाहर या लोअर रेक्टम के साथ आती है। तो यहाँ के मेल अगर देखा जाए तो तीन लोकेशंस होते हैं इसके, एक तो लेफ्ट लैटरल, राइट एंटीरियर, या फिर राइट पोस्टीरियर साइड से ये डेवलप होता है। इसके तीन पोजिशन है, 3 o'clock, 11 o'clock एंड 7 o'clock। इस तीन पोजिशन में ये देखा जाता है पाइल्स को, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल की मैं आपको फिगर शेयर करके बताऊंगी। एंड ये जो अंकुर बन जाते हैं माउस के, ये एपिथेलियल एनल कैनल की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहां पर ये ऑक्यूपाई होते हैं, या वहां पर वो बन जाते हैं मेनली।
and mainly between the terminal branches of the superior rectal and superior hepatic arteries and to a lesser extent between the branches. इसके कारण क्या है? जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन इसका कारण है. नेक्स्ट क्या है? लो फाइबर डाइट, यानी कॉन्स्टिपेशन के जो भी कारण आप मानिए वो सारे हो जाएंगे. जंक फूड है, एक्सरसाइज यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल. वैसे आयुर्वेद में पाइल्स के, अर्श के, वातज, पित्तज, कफज ऐसे प्रकार किए गए हैं. और बट यहाँ पे आम मुझे आज जो बताना है, खास करके गर्भिणी स्त्री में इसको मैं बता रही हूँ किस प्रकार से ये डेवलप हो सकता है. और कई बार जैसे ये देखिए, एक प्रकार से गूद की वलियों की, ये एक वेरिकोज वेंस की तरह इसको माना है, यानी गूद स्थित वेंस जो है वो फूल जाती है, फूल जाती है, उसमें सूजन आती है. जैसे ही ये फूलती है, सूजती है, तो जब भी वहां से मल पास होगा तो पेन होगा. आप देखिए कोई भी, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, आप जैसे कहां पर भी कुछ काम करने के लिए अगर हम लोग देखते हैं ना, तो वहां पे अगर कोई संकोच हो जाता है तो वहां काम जो है ठीक से नहीं हो पाता है. वही प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है. तो बहुत समय तक खड़े रहना, लॉन्ग लास्टिंग स्टैंडिंग, और प्रेगनेंसी के दौरान फीटल प्रेशर के साथ भी और हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं. इसी के साथ कुछ महिलाओं में प्रसूति के बाद भी ये देखा जाता है, यानी डिलीवरी के दौरान जो इंट्रा एब्डोमिनल एक प्रेशर होता है, इसके साथ भी पाइल्स होता है. तो यहाँ पे ये सारे कारण है. और आयुर्वेद में तो अर्श के सारे अध्यसन, अनशन, अजीर्ण, अग्निमान से लेकर सारे कारण बताए, जो आमतौर पर अजीर्ण से ये जुड़ा हुआ भी, अग्निमान भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है. इसका क्लासिफिकेशन इंटरनल एक्सटर्नल एंड इंटरनलो एक्सटर्नल, यानी दोनों प्रकार से होता है. इसके कुछ ग्रेड्स भी किए गए हैं. ग्रेड वन, इसमें कुछ प्रोलैप्स नहीं होता है, बस थोड़ा सा लाइक प्रोमिनेंट ब्लड वेसल होती है. इसमें पेशेंट कभी कंप्लेन करता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी उसको ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट गूद जैसे बैठने के बाद गूद में वेदना होती है. ग्रेड टू प्रोलैप्स थोड़ा सा होगा और बियरिंग डाउन, बट थोड़ा कम भी हो जाता है तुरंत. ग्रेड थ्री में प्रोलैप्स अपॉन बियरिंग डाउन एंड रिक्वायर मैनुअल रिडक्शन. ग्रेड फोर में प्रोलैप्स एंड कैन नॉट बी इवन मैनुअली रिड्यूस का. तो मतलब वो इतने जो अंकुर होते हैं ना गूद के, इतने बाहर आ जाते कि वो हाथ से अंदर डालने के बाद भी अंदर नहीं जाते. तो बिल्कुल आप सभी जानते कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है. तो रेक्टल ब्लीडिंग होती है, आपको पीआर करके पर रेक्टम एग्जामिनेशन करके देखना है. और जैसे टिपिकली ब्लड स्टूल के साथ आता है, जिसको जैसे हम लोग देखते हैं ना टॉयलेट पेपर पर या टॉयलेट में ड्रॉप्स देखे जाते हैं, इसमें फिर कभी कभी ब्लड के साथ म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है. और मांस, कुछ मांस आपको खुद पेशेंट बताता है कि मांस लग रहा है, फिर कंडू होता है एंड फिकल इनकंटिन्यूस होता है. एंड इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो ज्यादा पेनफुल होते हैं, अगर उसमें भी थ्रोम्बोसिस बन जाए या नेक्रोटिक अगर वो बन जाता है तो. एक्सटर्नल हिमोराइड्स मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होते हैं, बट फिर भी इसमें अगर वेंस फूल जाती है तो वो भी पेनफुल बन जाते हैं. एंड ये में मतलब कभी कभी कम भी हो जाते हैं. कुछ मैंने देखा है कि जैसे इसका एक परसेंटेज देखा जाए तो आमतौर पर पब्लिक में 70% सभी में, महिला पुरुष सभी में पाइल्स देखा जाता है. और जो थोड़ा मतलब मेरा ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, मांसाहार करने वाले लोगों में इसको थोड़ा ज्यादा देखा जाता है. फिर शाकाहार में भी अगर रफेज नहीं खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है, तो भी ये देखा जाता है. बट एक्सटर्नल हिमोराइड्स थोड़े कम ज्यादा होते हैं. कुछ लोगों को साल में, 2-3 साल में, 15-20 साल से हिमोराइड्स की शिकायत होती है. बट जैसे उनको बीच बीच में तकलीफ होती है, फिर वो कुछ खा लेते हैं, यानी पेट साफ की दवा ले लेते हैं, फिर उनका कम हो जाता है, ऐसे भी देखा जाता है. और इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो होते भी है और नहीं भी है, होते हैं. यानी जैसे अगर ये बढ़ जाता है, जैसे इसके स्टेजेस है, ग्रेड्स है, तो पेशेंट को ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता है, बैठने नहीं आता है, और ठीक पेट साफ नहीं होता है, तो फिर जैसे हमने बताया कि क्या दिन भर किस प्रकार से उनका मूड ठीक नहीं होता है, और एक प्रकार से लिथार्जी, थकान सी बन जाती है. कभी कभी इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता है, पेशेंट महिलाएं शर्म के मारे बताती नहीं है ठीक से, तो फिर हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता है, यानी एनीमिक हो जाते हैं. तो बिल्कुल, और अगर ये स्ट्रैंगुलेट हो जाए, थ्रोम्बोस होकर स्ट्रैंगुलेशन आता है, बाहर निकल कर आते हैं, तो वहां पे तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है. वैसे भी अर्श की चिकित्सा में क्षार, अग्नि, शस्त्र एंड औषध, ये चारों का भी प्रयोग करना आचार्य बताते हैं. तो आई थिंक आज हम लोग यहाँ पे क्षार सूत्र, अग्निकर्म,
शस्त्र कर्म ये तो है, हम लोग इसको हमने बार बार देखा भी है, बट मुख्य रूप से गर्भावस्था में तो हम लोग ये कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हमें वहां पे मेडिसिन औषध के साथ ही चलना पड़ता है, बिकॉज ऐसे तो नॉर्मल अगर पेशेंट है तो उसमें क्षार सूत्र का काफी अच्छा रिजल्ट है। एंड क्षार सूत्र आयुर्वेद की एक बहुत ही अमूल्य ऐसी ये है जिसमें इसका अच्छे से उपयोग होता है, तो हम लोग इसको तो यूज कर ही सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या यूज करें। इसके लिए कुछ थोड़ा और मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगी कि एक नॉर्मल पाइल्स के क्या प्रकार है और नॉर्मल पाइल्स में किस प्रकार से इसका रूप देखा जाता है आयुर्वेदिक संप्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वातज पित्तज और कफज अगर इसके प्रकार मानेंगे तो वात में जैसे वात के मुख्य लक्षण होंगे रूखापन रहेगा, एंड फिर उसके वात प्रकोप हेतु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कटु तिक्त कषाय रुक्ष अन्नपान वगैरह। पित्त के लिए भी वही पित्त प्रकोप हेतु वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज सहज ये सारे इसके प्रकार बताए। फिर लक्षण भी वैसे ही रहेंगे उसमें, जैसे वातज में ड्राई मल रहेगा उसका, एंड पित्तज में दाह हो, फिर पाक एंड तृष्णा, फिर कभी कभी फेंटिंग भी होती है। कफज टाइप के अर्श में थोड़ा सा पिछिलता रहेगी और फिर उसके साथ म्यूकस भी सिक्रेशन रहेगा। त्रिदोषज अर्श में तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण मिलते हैं। रक्तज अर्श में रक्त की दृष्टि होती है, जो आचार्य चरक ने इसको दिया लिया है सेपरेटली, एंड मतलब अलग अलग आचार्यों के हिसाब से भी इसमें अलग अलग प्रकार बताए हैं। रक्तज अर्श में सिम्टम्स तो सिमिलर होते हैं, मास तो होता ही है, एंड थोड़ा सा जो रक्त होता है उसका कलर गुंजा के समान होता है, और ऐसे उसके सिम्टम्स खास करके बताए। फिर उसमें दुष्टम उष्णम रक्तम यानी ब्लीडिंग जो होती है वो गर्म अगर स्पर्श करे तो, रक्त अति प्रवृत्ति पीड़न होता है, और लॉस ऑफ एक हीन कलर, लॉस ऑफ बॉडी कलर यानी देखिए रक्त ज्यादा मात्रा में शरीर के बाहर जा रहा है तो कलर पेल हो जाता है, हीन बल एंड ओज का अभिक्षय ऐसे बताए। फिर सहज अर्श, सहज अर्श यानी जो बचपन से है हेरिडेट उसको सहज अर्श माना गया है। इसमें भी सिम्टम्स तो वही होंगे एंड कृष्ण विवर्णता एंड विभंध रहेगा, बाउल चेंजेस होते रहेंगे, साममल रहेगा, शूल पेन रहेगा, दुर्बलता रहेगी, अग्निमान्द रहेगा। तो आमतौर पर सभी में लगभग करीब करीब सिम्टम्स तो वही रहते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया शस्त्र क्षार अग्निकर्म, इसके और दो प्रकार भी है, शुष्क अर्श और आद्र अर्श। शुष्क यानी जो वात के साथ ज्यादा वात की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, आद्र अर्श जिसमें फिर पित्त रक्त और रक्त पित्त ऐसे दोनों इसका दृश्यों का इसमें समावेश होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग गर्भिणी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या दे सकते हैं। मैं सिंपल फॉर्मुलेशन बताऊंगी गर्भिणी का। सबसे पहले तो गर्भिणी को आप जैसे सैनिटरी लाइफस्टाइल में ना रखे, उसको थोड़ा सा वो काम भी करे बीच बीच में, उसको हल्का सा वॉकिंग वगैरह जैसे एक्सरसाइज बताए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। गर्भिणी के लिए बेस्ट मेरे हिसाब से है गुड़ एंड अभया, अभया एंड गुड़ का ये एक मिश्रण बनाकर आप एक आधा टीस्पून की मात्रा में, आधा चम्मच की मात्रा में खाना खाने के पहले उसको दीजिए। गुड़ अभया योग बेस्ट रहेगा, क्योंकि जैसे इसमें अभया जो है अभयारिष्ट भी हम लोग दे सकते हैं। अभया ये हल्का विरेचन कराएगी और पेट मिल जाएगी। ऐसे ही आप हरितकी एंड गुड़ का भी मिक्सर दे सकते हो। इसको अगर आप गुड़ हरितकी को गोमूत्र के साथ सोक करके रखते हो रात भर के लिए और सवेरे देते हो तो बेस्ट है, बट यहाँ पे गोमूत्र यूज कर रहे तो ऐसे गर्भिणी में कोई समस्या नहीं है, बट गोमूत्र ही उष्ण होता है तो पित्त प्रकृति अगर है तो उसमें आई थिंक कि थोड़ा कम मात्रा में करे, और अगर अवॉइड कर सके तो कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे आप हरितकी या गुड़ के साथ भी चल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देना है त्रिफला। त्रिफला भी बहुत लंबे समय तक नहीं देना है, आपको 7 दिन का ही देना है, एंड इसमें आपको ऐड करना है त्यूरुत। त्यूरुत ये भी अच्छे से एक विरेचन, हम लोग सभी जानते हैं कि त्यूरुत अवलेह का विरेचन का उपयोग हम लोग काफी मात्रा में करते हैं, बट यहाँ पे आपको त्रिफला चूर्ण या त्रिफला का काढ़ा बनाकर इसमें त्यूरुत का थोड़ा सा पाउडर डालिएगा। हमारा उद्देश्य क्या रहता है अर्श के ट्रीटमेंट में कि उसका जब गुद से मल जब पास हो तो मल अगर सॉफ्ट रहेगा तो अच्छे से पास हो जाएगा, और जब भी गुद का और मल का संपर्क आएगा
तो वहां पे वेदना नहीं होनी चाहिए। अगर मल भी रूखा है और गुद में भी सिराय फूल गई है तो वहां पे निश्चित रूप से पेन होगा। तो ये उद्देश्य मुख्य रूप से हमें इसमें ट्रीटमेंट में रखना है। नेक्स्ट है त्रिफला योग, ये बताया मैंने। फिर त्रिफला का चूर्ण सिंपली आपको देना है। त्रिफला का चूर्ण किसमें देंगे आप लोग? इसको कोई भी खाने का जो भी सामान है आप छाछ में मिला कर दीजिएगा। आप कोई पकवान बना रहे तो उसमें भी डालकर दे सकते हो। छाछ इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दही मत खिलाइए गर्भिणी को, तो छाछ दीजिएगा। छाछ से एक द्रव गुण भी मिल जाता है और छाछ को तो अजीर्ण अग्निमान देखिए उत्तम दवा मानी है। अब इस छाछ में त्रिफला चूर्ण के साथ आप अजवायन, धनिया, जीरा, जो शीत मसाले है उन सभी का प्रयोग कर सकती है। ये है त्रिफला चूर्ण का योग। नेक्स्ट आपको यूज करना है बिल्व। बिल्व काफी बहुत अच्छे से काम करता है गृहिणी और ये सभी जो उधर के सारे वैद्य है, कोष्ठकत वैद्य है, उसमें अग्नि अजीर्ण ऐसे सभी में। तो बिल्वादि योग में क्या है? बिल्व का फल, पल्प ऑफ द फ्रूट ऑफ बिल्वा एंड शुंठी चूर्ण। और इसमें इसको किसके साथ देना है आपको? यवानी यानी कैरम सीड्स एंड चित्रक मूल का काढ़ा बनाकर। आप ये चारों भी मतलब शुंठी का चूर्ण, चित्रक मूल एंड कैरम सीड्स ये आपको छाछ में भी डालकर दे सकते हो। ये तो शास्त्रोक्त रेफरेंस है कि छाछ में चित्रक मूल मिलाकर दीजिएगा। बटर मिल्क प्रोसेस्ड विद चित्रक मूल इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ अर्शा एंड भगंदर। सभी अर्शा और भगंदर में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। एक्चुअली इसमें जो उष्ण द्रव है उसको अवॉइड करिएगा। जैसे अभी कुछ कल्प है अर्शकुठा रस वगैरह, तो उसमें अगर रस है यानी धातु का उपयोग किया है, मेटल्स है, तो उसको अवॉइड करिएगा। इसीलिए हम सिंपल जो मेडिकेशन है इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्चुअली इसमें है पिपलादि पेय। अभी पिपलादि पेय में पिपली है, पिपली मूल है, बट मुझे लगता है कि पिपली उष्ण पड़ जाएगी। तो आप देखिए इसमें बाकी के द्रव्य बताती हूँ मैं, तो आप इसको ये करके अपने हिसाब से इसको बना सकती है। जैसे मुझे लगता है शुंठी थोड़ी यूज करें चलेगा, जीरक यूज करिएगा चलेगा, आप इसमें फिर बिल्व यूज करिएगा चलेगा, पाठा है इसमें पाठा डालिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, शुंठी, जीरक, धन्यक, गज पिपली, बिल्व, कर्कटक, पाठा, इन सभी को घी और ऑयल के साथ मिक्स करके आपको दाड़िम के साथ इसका सेवन करना है। दाड़िम फल के साथ या दाड़िम का काढ़ा बना दीजिएगा और इसके साथ इसको दीजिएगा। ऐसे ही आप इसका यूज बनाकर भी दे सकती है। तो आप अभी देखिए आपको ये द्रव्य पता चली, यानी शुंठी यूज कर सकते, जीरक यूज कर सकते, धान्यक यूज कर सकते। आप इसका मिक्सचर करके भी दीजिएगा, इस मिक्सचर में गुड़ डालकर दीजिएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इसमें गुड़ डालिएगा, इसका चूर्ण और गुड़ दीजिएगा, या फिर इन सभी चूर्णों को छाछ के साथ मिलाकर दीजिएगा। एक तो छाछ में डालेंगे तो मसाला छाछ बन जाएगा, तो पीने में भी दिक्कत नहीं आएगी एंड गर्भिणी स्त्री आराम से ले सकती है और उसको पेट भी अच्छा रहेगा, पेट साफ होने में मदद मिलेगी, अग्नि करेक्ट रहेगा और मतलब सभी प्रकृति और सभी गर्भिणी महिलाओं के लिए ये तो अमृत के समान ही है। तो बस इसमें मुझे लगता है ये बेस्ट ही काम करेगा। फिर और आपको क्या देना है? फिर आप इसमें अभयारिष्ट दे सकती है। एक 15 दिन का आप कोर्स करिएगा अभयारिष्ट का, 2-2 चम्मच या 1-2 चम्मच, जैसे उसकी कौन सा महीना चल रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, सीजन क्या है, इसको भी देखकर आप इसका यूज कर सकती है। इसमें एक चिरु बिल्वादि कषाय करके भी आता है, वो भी काफी उपयुक्त रहेगा, वो भी आप 1-1 चम्मच दीजिएगा। वरुणादि कषाय भी हम लोग दे सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। एक और अच्छा कषाय आपको मैं सजेस्ट करूंगी, मृद्विकारिष्ट, जिसमें द्राक्षा डाली, मृद्विका यानी द्राक्षा, मुनक्के, तो इसका ये बना है। तो मुनक्का तो वैसे भी हेल्थी रहता ही है और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, तो मृद्विकारिष्ट का अच्छा रहता है। वैसे अरिष्ट या जो आसव है गर्भिणी स्त्री में थोड़े कुछ लोगों का ऐसे होता है कि नहीं दिया जा, बट मेरे विचार से एक 15 दिन का हम लोग देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें 2-3 प्रकार के गुड़ बनते हैं। बाहुशाल गुड़ करके एक कल्प है, काफी अच्छे इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आई थिंक बाहुशाल गुड़ हम देंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि गुड़ का प्रयोग इसमें कितना इम्पोर्टेंट है। मे भी जो रक्त प्रवृत्ति होती है तो इस रक्त की लॉस को भरकर आने के लिए गुड़ में आयरन है, एंड सो आई थिंक इस बाहुशाल गुड़ को
या सभी गुड़ के विकल्पों को ज्यादा इसमें डाला गया है या ज्यादा दिया है। भी बहुशाल गुड़ में क्या है, देखिए इसमें तिवृत्त, दंती, गोक्षूर, मुस्ता, शुंठी, विडंग, हरितकी, भल्लातक, ये सारे, और इसमें सुवर्ण भी है, तिवृत्त भी है, यानी कुल मिलाकर अग्नि वस्त्रो अग्नि पर अन्न वस्त्रोत पर कार्य करने वाले थोड़े से इसके सारे द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। ये भी भेषज रत्नावली का अर्श रोगाधिकार का विकल्प है। बहुशाली गुड़ नागार्जुन फार्मेसी का ये मिल जाता है, एंड आई थिंक हम लोग इसको ऐसे, मुझे कोई इसका रिजल्ट या किसी से मैंने सुना नहीं कि बाहुशाली गुड़ हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर से, ऐसे मैंने तो सुना नहीं है। अगर आपको बेटर लगे तो यू कैन गो विथ दिस बाहुशाल गुड़ के साथ, आप इसमें यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप करिए यूज, आप भी इसका अनुभव या अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं आती है, आप इसको यूज कर सकती है, ठीक है। बाहुशाल गुड़ के साथ ही वैसे ही आपको मणिभद्र गुड़ करके भी आता है, वो भी यूज कर सकती है आप, कल्याण गुड़ यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और त्रिफला गुड़ चलाइएगा 15 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें घृतपान अगर करना है आपको कुछ, क्योंकि पंचकर्म तो रिकमेंडेड नहीं है, तो जैसे चांगेरी घृत चल जाता है, अभिपत्ति का चूर्ण दे सकती है, अभिपत्ति का चूर्ण से भी पेट साफ होने में मदद मिलेगी। त्रिफला चूर्ण ऑलरेडी हमने बताई है, उसमें अर्शकुठा रस को तो प्रेगनेंसी में नहीं देना है आपको, और बाकी सारे भी अर्शोभन वटी वगैरह है, तो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको दे, आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा। आप बाकी जो भी सारे महातिक्त तिक्त ग्रुत है ऐसे कल्पों का उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन आप इसके लिए सहस्त्र योग में पुष्यानुक चूर्ण का भी इसमें बताया कि आप अर्श के लिए दे सकती है, तो पुष्यानुक चूर्ण देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, वैसे भी उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। यू कैन ऑल्सो गिव नागरादि चूर्ण भी आप दे सकती है, नागरादि चूर्ण से भी अग्नि ठीक रहेगा और संप्राप्ति भंग हो जाएगी, आप वो भी दीजिएगा। अवलेह कल्पना में कुटज अवलेह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुटज अवलेह में या दंती हरितक की अवलेह भी चला सकते हैं, बट कोई भी मेडिसिन बहुत लंबे समय तक मत चलाइएगा, ये मेरा थोड़ा सा इसमें एक सजेशन रहेगा जैसे प्रेगनेंसी को देखते हुए। बाकी इसमें रिबेरा की गुरुत्व करके एक आता है, वो भी चला सकते हैं आप, वो भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पथ्यापथ्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, जैसे छाछ है और चावल में षष्टिक चावल मिल जाते हैं तो वो दीजिएगा, गुड़ के विकल्प खाने को दीजिएगा। और इसमें ना बकरी का दूध भी अच्छा माना है, अगर पेशेंट प्रिफरेबल है खा सकती है तो वो बकरी का दूध तो जरूर ये करे। एंड फिर बहुत ज्यादा प्रवास करना, उत्कटासन, चेयर पोज, स्क्वेटिंग पोस्चर्स को एडॉप्ट करना, वो भी वो थोड़ा सा अवॉइड करे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें, उससे उसको पाइल्स में ज्यादा जैसे रिजल्ट मिल जाता है। एंड हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि प्रेगनेंसी में वैसे भी जो एक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बड़ा होता है जो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और हमारे कुछ पोर्शन को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है, यूट्रस की साइज बढ़ जाती है, जिसके साथ जो पेल्विक एरिया है उस पर प्रेशर दबाव बढ़ जाता है, जिसके साथ सिराए फूल जाती है, तो ये बेसिक उसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी को समझ लीजिएगा, और ये वेन्स सूज जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, बस वही है। एंड वेट तो बढ़ना ही है उसको, उसके लिए तो कोई ये नहीं है, तो हम लोगों को ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो बढ़ा है, स्वेलिंग हुई है, एंड तो एक नॉर्मल कंडीशन है आई थिंक, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब हम लोग इसको इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं सजेस्ट कर सकते ना कि वेट कम करो वगैरह। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि एब्डोमिनल प्रेशर को थोड़ा स्लो डाउन करिएगा, उसके लिए आप पोजीशन चेंज करते रहिएगा। एंड फिर आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि आपका पेट अच्छे से साफ हो, कॉन्स्टिपेशन ना बना रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन और रहेगा उसमें तो फिर और सिराए यानी वेन्स फूली हुई है ऑलरेडी थोड़ी, और अगर मल अगर घन है, मल शुष्क है, तो इस मल का उसके साथ संघर्ष होकर वहां पे पेन हो जाएगा, तो इसीलिए आपको आपके मेटाबॉलिज्म को कॉन्स्टिपेशन को कम करना है। इसमें आप लाइक टॉयलेट हैबिट और बाकी सारी इसके साथ इसमें कर सकती है, ब्लीडिंग के लिए तो ये सारे से ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। और दूसरा मैं बताऊंगी इसमें, और ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप ये दीजिएगा अभ्यंग, ये अवगाह स्वेद करिएगा, पेशेंट को टब में पानी लेकर उसमें हल्दी डालकर उसको सेक करिएगा, इसके साथ सेकाई के साथ क्या होगा,
जो गुद की वेन्स है जो सूज गई है, फूल गई, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, यानी वो कम हो जाएगा, पेन कम होगा। तो आमतौर पर तो मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वही थोड़ा हल्का विरेचन एंड ये सीड्स बात अवगाह स्वेदन देकर ही अच्छा किया है, इसे मेरा तो अनुभव यही है, क्योंकि अवगाह से बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट को पेन नहीं होता है और हल्के हल्के वहां की जो सूजन है वो भी कम होती है। और कुछ लोग बताते कि यानी डेफिकेशन के पहले, मल त्याग जाने के पहले वहां पे आप थोड़ा सा सॉफ्ट कोई घी लगाइए या झैलोकंजली भी बता देते हैं, और झैलोकंजली लगाकर आप स्टूल पास करके आइए, यानी जो पेन होता है वो पेन नहीं होगा। बट हम लोग तो झैलोकंजली सजेस्ट कर भी सकते, नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरे विचार से इसमें अगर आप जात्यादि घृत या त्रिफला घृत जैसे कुछ रोपण वाले घृत एडवाइस करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ग्लिसरिन भी यूज कर सकते हैं ताकि पेन ना हो पेशेंट को, प्रवाहन ना करना पड़े, और गुद गुद पे कहीं ना जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर को हम लोग हटा दे, वो ये ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर डाइट में आप बनानास है, ऑरेंजेस है, द्राक्षा खाने को दे सकते हैं, एंड स्वीट पोटैटोज है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। गार्लिक एंड रेडिश जो बेस्ट है उसको भी आप ये करिएगा, पानी की मात्रा बढ़ाइएगा, और फिर आप हल्का चलना, व्यायाम, योगा वो सारे भी कर सकते हैं। कुछ और मैं विकल्प इसमें बताऊंगी, वैसे इसबगोल तो आई थिंक कि कुछ लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, बहुत सेफ है लैक्सिटिव वैसे इसबगोल, बट कभी कभी इसबगोल को लेकर थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं ज्यादा विरेचन ना हो जाए, तो आप पेशेंट की प्रकृति देखकर इसको यूज करिएगा, जो वैसे तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पाइल्स जो गुद एरिया है वहां पे तिल का तेल या नारियल का तेल लगाइए, क्योंकि नारियल तेल शीत गुण का है, तो पेन एंड इंफ्लामेशन सूजन कम हो जाएगी। आप इस इंफ्लाम एरिया पर एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं, जो विदाउट केमिकल और कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल सा तरीका है। कुछ इसमें आप पेन कम करने के लिए और स्वेलिंग कम करने के लिए कोल्ड आइस पैक, यानी कपड़े में एक आइस बर्फ का गोला लीजिएगा, और जो मास है वहां पर अगर दिख रहा है या है इंटरनली, तो वहां पे पेशेंट को जैसे हमने अवगाह बताया था ना गर्म पानी का, वैसे ही इस कोल्ड आइस पैक को वहां पर गुद में बांध दीजिएगा, या गुद में उसको एक प्रकार से रखने को लगा दीजिएगा, यानी आप कपड़े में रैप करके लगा सकते हैं, जैसे पैड वगैरह रखा जाते हैं ना, सैनिटरी पैड कैसे यूज करते हैं, वैसे ही आप इस बर्फ को कपड़े में बांध कर उसके गुद पार्ट पर लगा दीजिएगा, बेस्ट सिंपल तरीका है। कोल्ड एंड हॉट कॉम्प्रेस पेन एंड इंफ्लामेशन के लिए ऑल टाइम फेवरेट है, और मतलब आई थिंक आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या भी आती है, एनीवन और कोई भी इसमें इसका प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसको मतलब क्या ये करे। देन अभी इसमें आपको थोड़े और मैं बताऊंगी कि आप स्पेसिफिकली विटामिन वगैरह, आयरन से भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आप ऐसे विटामिन का प्रयोग करें जो सिंथेटिक विटामिन आजकल मिल जाते हैं, तो वो ज्यादा प्रेफर करें, एंड इससे आपको ज्यादा अच्छा ये मिलेगा, ये रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। आपके आहार में, आपके आंतड़ों में एक अच्छा बैक्टीरिया डेवलप हो ऐसा आहार रखें, तो जैसे दही भी है इसमें और फिर छाछ तो है ही है इसमें। कुछ और मैं इसमें आपको बताती हूँ जो सिंपल वाले है ऑप्शंस, उसको भी मैं बताऊंगी, एक फॉर्मुलेशंस जो जो है वो सारे फॉर्मुलेशंस हम लोग पढ़ेंगे। कासिस तेल, कासिस तेल को आप गुदा पर लगा दीजिएगा, यानी मल त्याग करने के बाद मस्सों पर लगाइएगा, ये शोचक के बाद इस तेल को लगाने से या इसके साथ गुद प्रक्षालन करने से निश्चित रूप से मस्से जो है वो सूख जाते हैं, तो कासिस तेल का बड़ा ही अच्छा ये विकल्प बताया है, और बेस्ट मुझे लगता है ये बेस्ट ही काम करेगा, तो आप जरूर इसको यूज करिएगा अर्श के लिए। नमस्ते सभी को, आप मैं वैद्यों से भी सारे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने अनुभव डालिएगा क्या यूज कर सकते हैं। और एक बताती हूँ, बहुत सिंपल है, अजवायन, इसमें खुरासनी अजवायन जो मिलता है, खुरासनी अजवायन का चूर्ण आप 1 से 3 यानी 2 ग्राम की मात्रा में दीजिएगा, बेस्ट रहेगा, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा अर्श में। नमस्ते अलका जी, बोलिए मैम, आप आपका भी कुछ इसमें हो तो डालिएगा। और क्या दे सकते हो वो भी आप अपना बताइएगा।
नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। सब आ गया मैम, आपने जो बोला सब अच्छे से बोल दिया। नहीं, आपका भी कुछ इसमें ये हो तो बताइए। आप क्या अर्शोभनावटी या अर्शोपिठा रस रिकमेंड करेंगी प्रेगनेंसी में? नहीं मैम, वो तो नहीं यूज करते हैं मैम। नहीं यूज करना। एग्जैक्टली। सुरन सुरन की सब्जी खाने को दे सकते क्या? सुरन के अंदर का काफी अच्छा रिजल्ट होता है इसमें, वो तो मैम दे सकते हैं ना सुरन तो। दे सकते हैं। क्योंकि सूरन अच्छे से अर्श के मस्सों को ये करता है, विलयन करता है, छेद छेद करता है। और आप लोकल लगाने में तो सारा कुछ दे सकते हैं। लोकल का मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। जैसे लोकल में आप ना स्नोही स्नोही का दूध और हल्दी दोनों मिलाकर ले अपना मस्सों पर लगाइएगा, वो मस्से सूख जाते हैं, ऐसे बोला है। स्नोही का अच्छा है, स्नोही। हल्दी और स्नोही का बेस्ट रहेगा मेरे विचार से। आप इसको जरूर यूज करके देखिएगा। बाकी आप ना जैसे देखिए, इसमें जो आप खाना बना रही है गर्भिणी के लिए, तो उसमें बिल्वट का चूर्ण डाल सकती है। अगर वातज टाइप का लक्षण मिल रहा हो तो उसमें बृहति, बिल्व और अनंता, इसका यूष बनाकर खाने को बताया। ये तो इसका मतलब शास्त्रोक्त ही काश्यप आचार्य का ये कल्प है। काश्यप आचार्य बताते इस प्रकार से चिकित्सा, बृहति, बिल्व और अनंता की यूष बनाकर दीजिएगा। पित्त के लक्षण अगर ज्यादा मिल जाते हो तो इसमें यष्टि मधु का भी, मुझे लगता है यष्टि मधु गुरुत्व का पान करवाइए पेशेंट को ना, अच्छा रहेगा। यष्टि मधु गुरुत्व का पान काफी ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। यष्टि मधु गुरुत्व व्रण और ओपन भी करता है ना। तो वो आप जरूर उसमें दे सकती है। और किसी का कुछ इसमें ये है तो बताइए। मैंने क्षार अग्नि कर्मों पर मुझे नहीं बोलना है, मैं सिर्फ फॉर्मुलेशंस पर ही बता रही हूँ। प्रेगनेंसी पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। बाकी तो विकल्प शायद बहुत ज्यादा भी है, बट कि ये हमारा मतलब लिमिटेशन से थोड़े से, इसीलिए फिर आप रक्त स्तंभन के लिए सारे रक्त स्तंभन द्रव्यों का प्रयोग करिएगा। बोल पर्पटी दे सकते हैं आप। पित्त का शमन करवाइएगा, प्रवाल पिष्टी दीजिएगा, काम दूधा दीजिएगा, कुटांधत्वक भस्म दे सकते हैं आप। पेशेंट को दाक्षायणी तेल का पीचू रखने को बोलिए, गुदे पीचू। गर्भिणी में गुदे पीचू से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप गुदे पीचू रख सकते हो। जात्यादि का रखिएगा, निर्गुंडी का रखिएगा, नारियल तेल का रखिएगा। अगर दाह सूजन बहुत ज्यादा है तो नारियल तेल का रखिएगा, और वहां पे अगर थोड़ा कुछ ऐसे व्रण जैसे बन गया है, जख्म जैसे बन गया हो, तो जात्यादि तेल का दीजिएगा। वेदना के लिए फिर आप त्रिफला गुगुल दे सकते हो, है ना। बोल पर्पटी तो आप अवस्था में जो रक्त का शमन करने वाली जो चिकित्सा है, रक्तस्राव हर चिकित्सा जो है वो कर सकती है। बट उसमें भी जैसे प्रेगनेंसी है तो थोड़ा बाकी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी पेट साफ के लिए आप अभयारिष्ट दीजिएगा, त्रिफला चूर्ण दीजिएगा, हरितकी भी दे सकते हैं, पंचतकर चूर्ण दे सकते हैं, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर। अगर पेशेंट अरुचि, अग्निमान वगैरह की शिकायत कर रहा होगा तो थोड़ा दीपन पाचन जरूर करें। यस, अवगाह शीत उपचार, बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, बिल्कुल करेंगे हम लोग। और फिर आप अग्नितुंड भी दे सकते हैं, पेशेंट अगर बिल्कुल भी अग्नि तापमान की शिकायत कर रहा हो, या फिर शुंठी सिद्ध जल दीजिएगा। बस थोड़ा उसको कॉन्सेंट्रेट कम बनाइएगा, प्रेगनेंसी है तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं बनाएंगे कोई भी दवा। लवण भास्कर, अजवायन, जीरकाद्यारिष्ट भी दे सकते हैं, या फिर आप जीरक का चूर्ण दीजिएगा, जीरक और मिश्री मिलाकर दीजिएगा, बेस्ट है। अग्निमान और इसके लिए तो बेस्ट ही रहता है। शुंठी सिद्ध जल में गुड़ डालिएगा। आप हॉट्स जो बात मैंने बताया ना, हॉट सीड बात, उसमें हल्दी तो डालते हैं हम लोग, त्रिफला चूर्ण भी बताते हैं, या आप इसमें स्फटिक भस्म भी डाल सकते हैं।
टंकन बस में भी डाल सकते, टंकन और स्फटिक से वो मतलब सिराए जो फूली है ना वो ये हो जाती है, सूजन कम हो जाती है। टंकन और स्फटिक बस में डालकर सीड्स बात बताइए। बाकी तो सेफ ट्रीटमेंट हम लोग सोच रहे हैं ना, इसमें ज्यादा हमें इसमें ये नहीं करना है, पेशेंट को तकलीफ भी नहीं देनी है एंड अच्छे से उसको ये करे ट्रीट करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा कि हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, और जिस कल्प भी ऐसे देंगे जिसमें कोई ज्यादा रस औषधि नहीं है, ऐसे कल्प देंगे। कल्याण गुटिका दे सकती है, अभय मोदक भी, अभयारिष्ट का चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जरूर दीजिएगा आप। बाकी मुझे लगता है कि अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए दूध और लाइक फलों का रस या फल, ऐसे फल खाए जिसके साथ पेट साफ होता हो, संतरा है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अशोक उठा रस और अशोक नवटे की जरूरत नहीं है, वो अवॉइड ही करना है आपको। इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, पानी जितना आप ये करेंगे उतना आपका मल अच्छे से पतला बनेगा। मल पतला यानी मतलब बंधा हुआ मल आएगा, बंधा हुआ मल आता है तो कोई समस्या ही नहीं है ना, जितना मल बनकर आएगा उतना अच्छे से ये होगा। तो मल को बांधने वाले इसमें दाढ़िम का भी बेस्ट है, दाढ़िम खाने को लगाए गर्भिणी स्त्री को, दाढ़िम आंवले दीजिएगा, दाढ़िम आंवले देते हैं तो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर बात ही नहीं है ना कुछ, दाढ़िम अगर देते हो आप तो आई थिंक दाढ़िम खाने खाने से भी पेट के लिए भी अच्छा रहेगा, और दाढ़िम वैसे भी रोपण काम अच्छा करता है। गुगुल और ये भी अच्छे से काम, सूजन कम करता है ना अच्छे से, गुगुल सूजन पेन दोनों कम करता है, तो आप दे सकती है गुगुल त्रिफला, गुगुल वगैरह। कच्चा मत खाइए, पेशेंट को बोलिए कच्चा मत खाए, ज्यादा से ज्यादा वो घी वगैरह का इस्तेमाल करे खाना खाते समय, वात का शमन करते रहे, पित्त को भी ना बढ़ने दे, वेगों का धारण ना करे, डाइट हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो और फिर रेड मीट एंड बाकी कॉफी चाय का प्रमाण कम करे, ड्रिंक्स का प्रमाण कम करे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फाइबर डाइट बढ़ाइएगा, हाइड्रेशन को बढ़ाइएगा। इसमें आप ना ब्लीडिंग पाइल्स अगर है तो जो हम लोग रक्त प्रसार में लज्जालू का उपयोग करते हैं, तो वैसे आप लज्जा तेल अगर मिल जाए तो लज्जालू तेल का पीछू भी घुट पर रख सकते हैं, क्योंकि लज्जालू कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो इस कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम यहाँ पे जो ये है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, वहां पे जो सिराए फूली है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप लज्जालू तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। ये एक अलग है लज्जालू का लोकल एप्लीकेशन। हल्दी बेस्ट है, हल्दी दूध पानी सभी के साथ लीजिएगा, क्योंकि हल्दी एक प्रकार से नेचुरल एंटीबैक्टीरियल वगैरह वाली प्रॉपर्टी वाली भी है, तो जरूर इसको इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों के साथ ही चले, जिसमें कोई कृत्रिम ये ना हो। बाकी आपको दूध पापेश्वर की कई सारी टैबलेट मिल जाती है, एमरॉइड वगैरह करके, अर्शोहील वगैरह, पाइलेक्स भी काफी चलती है, हिमालय की पाइलेक्स भी काफी लोग यूज करते हैं। यस, चांगेरी ग्रुप का भी पिचू अच्छा रहता है, कैलर जी बहुत अच्छा बताया। यस, मैंने पान को भी बोला है उनको, चांगेरी ग्रुप तो पान भी कर सकते हैं। आजकल मार्केट में आपको एक ये आती है इटरनोपाइल करके पाउडर मिल जाती है, वो पाउडर भी आपको ना लोकल लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीड्स बाथ में डालिएगा। ये सारे जो लोकल एप्लीकेशन से वो क्या करते हैं, अगर है वहां पे मांसांकुर बन गया है तो उस मांसांकुर की साइज को कम करते हैं और सूजन को कम करते हैं, डिस्कम्फर्ट पेशेंट का कम होता है। तो पीचू तो बेस्ट ही है, आप जो भी तेल सारे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन सभी तेलों के साथ चलिएगा, उन सभी का पीछू रखवाइए। तो इसमें बड़ा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से ही करना है। यस मैम बोलिए। डाइट प्लान में तो जरूर बदलाव करिएगा,
जो आपका स्टूल ना अच्छे से बल्क और फॉर्म्ड स्टूल बने, ऐसे विचार करिएगा। बोलिए मैम संपदा जी। अलका जी और कुछ केस, या आपको वो मैंने न्यूरी वायर टेबलेट का बताया ना, 1 बीड़ी दीजिएगा संपदा हाँ मैम, जी। ये हाँ यस अच्छी, मैम, बहुत इसके लिए बहुत अच्छा है। यस मैम। और आप क्या देती है फाइल्स में? मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन और कॉन्स्टिपेशन हो तो लेग्जिटिव, हाँ, एक्सटर्नल में क्या देती है आप? वो ब्लीडिंग फाइल्स है तो स्मूथ का, एक स्मूथ नाम का एंटी हिमोरॉइडल की क्रीम है, एंटी हिमोरॉइडल, और पेन वगैरह ज्यादा है तो ज़ाइलोकिन लेती हूँ। हाँ, ज़ाइलोकिन जेली लोकल एप्लीकेशन हाँ, है। हिमालय का भी एक, हिमालय कंपनी का भी एक लोकल एप्लीकेशन के लिए अच्छा है ऑइंटमेंट, अच्छा, फाइलेक्स पाइलेक्स ऑइंटमेंट। है। फाइलेक्स टैबलेट भी हाँ आती है ना, काफी चलाती हाँ चलती है, वो भी काफी यूज टैबलेट करते भी हैं लोग। यस, फाइलेक्स तो काफी चलती है, बहुत ही फाइलेक्स तो है। एक ये भी देते हैं ना, सेप्टिलिन भी देते, काफी लोग सेप्टिलिन भी यूज करते। और कोई डिस्कशन हो तो बताइए, हमारे डॉक्टर्स भी डाल रहे हैं सारी। डॉक्टर कैला जी ने काफी अच्छे से बताया। और किसी का कुछ सवाल या मैडम। कुछ? हाँ बोलिए। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के लिए होगा सेशन, हाइपोप्लास्टिक? क्या हाइपोप्लास्टिक? यूटेरस। अच्छा ठीक है, लेते हैं। क्या आप कुछ पेशेंट हैं, कुछ क्या लक्षण है? एक 17 इयर्स फीमेल पेशेंट, प्राइमरी अमेनोरिया नहीं है, इरेगुलर मेंसेस है, यूएजी में 3 सेंटीमीटर यूट्रस आया है। 3 सेंटीमीटर? अच्छा, स्मॉल टैबलेट यूट्रस। अच्छा, और बाकी मैम लिखी एज क्या है अभी पेशेंट का? हुई 17 इयर्स। और मेंसेस आ गए क्या फिर उसको? नहीं, टैबलेट लेके ही आते हैं, नेचुरली नहीं आते। अच्छा, तो टैबलेट क्या हो आप ये देते हैं? हाँ रजिस्ट्रॉन। रोज़? हाँ, हाँ रजिस्ट्रॉन। प्रोजेक्ट। अच्छा अभी वो बाहर कोल्हापुर में गायनेक के पास प्रीमेरिन नाम की टेबलेट है, 0.625 mg के, वो हाँ 21 डेज ले रही है, 1 वीक गैप, फिर 21 डेज, ऐसे 4 साइकिल्स बोले उनको। बाकी मैम उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या प्यूबर्टी के सारे लक्षण मिल रहे क्या? मुझे ये माल नरिश अच्छा, ब्रेस्ट साइज की वहां रहता। हाँ, कटी कटी? सगर लाल, ऊंची हाँ कमी, वजन कमी, तबियत, हाँ मांस अच्छे, सगळं म्हणजे अच्छा, मालनरी शुड। हेयर्स वगैरह बाकी तिचं कसं आहे, म्हणजे पिंपल्स, हेयर्स, प्युबर्टीचे लक्षण, की पुअर स्वभावामध्ये काय बदल, बाकी लक्षण? है, ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट नाही, प्युबर्टीस्ट चे जे आहे ते सुद्धा एवढं हाँ खास नाही, पुअरच आहे। अच्छा, ओके, बरं, ठीक आहे, चांगला विषय, आपण चर्चा करूयात उद्याच्या ह्याच्यामध्ये, करूया, छान वाटेल, है की नाही? हो आणि बाकी काय आता, म्हणजे पेशंट एज्युकेशन वगैरे सगळं चालू आहे पेशंटचं? चालू आहे, चालू आहे, कॉलेजला आहे पेशंट, FY ला अच्छा, 12वी झाली। बर बर। पण आता पुढच्या दृष्टी ऍक्च्युअली कसं आहे, स्मॉल युट्रस काही मोठा प्रॉब्लेम नाहीये, नॉर्मल लाईफ असू शकतं त्याच्यामध्ये, स्मॉल युट्रस मध्ये असं काही नाहीये। पण काही काही कधी कधी असतं, रेअर केस आहे ही, स्मॉल युट्रस म्हणजे खूप रेअर आहे, पण कधी कधी असू शकतं, तर त्या वेळेला मग ऍक्च्युअली कधी कधी खूप नॉर्मल ब्लीडिंग पण लाईफ असतं, म्हणजे काहीच त्रास नसतो, पण कधी कधी प्रॉब्लेम येऊ शकतात, जसं तुम्ही म्हटलं की मेन्स्ट्रुएशन ठीक नाहीये वगैरे। मेन्स्ट्रुएशनच टॅबलेट मग ते किती दिवस असं करणार ना, असं आहे प्रॉब्लेम तो आहे, मेन्स्ट्रुएशनच बिलकुल। अच्छा ठीक है, अच्छा ये कल चर्चा करते हैं विस्तारित रूप से ना, इसको भी हम लोग शोधन, रसायन, पॉइंट ऑफ व्यू। पर फैमिली हिस्ट्री कुछ है क्या पेशेंट में? नहीं, फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं, नॉर्मल है। कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा,
फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ओके मतलब माँ उसकी नॉर्मल है, नॉर्मल है, फिर फादर बाकी भाई बहन और किसी का कुछ ऐसे है नहीं, मीडियम नहीं, मतलब ग्रोथ रिटार्डेड ऐसे कुछ है क्या, बाकी भाई नहीं नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, ओके चलेगा, फिर चर्चा करते हैं। तो आई होप कि आज का सत्र फाइल्स को मैं अलग रूप से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रयास किया कि प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की पीरियड में भी, लैक्टेशन में तो थोड़ी हमारी लिमिट कम हो जाती है, यानी वी कैन यूज सम अदर कॉम्बिनेशन ऑफ रसौषधि कुछ यूज कर सकते, बट प्रेगनेंसी में तो टोटली ये नहीं कर सकते, और बहुत ये होता है ना, और प्रेगनेंसी में प्रेशर के कारण ही होता है, तो जैसे प्रेशर कम होता है, बट फिर लैक्टेशन में क्यों होता है, तो लैक्टेशन में उसका थोड़ा सा इफेक्ट मेंटल स्ट्रेस या खान पान को लेकर समस्या अगर है, तो फिर वो लैक्टेशन में भी कभी कभी रह जाता है, या फिर पहले का जो प्रभाव है, यानी आप डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा प्रेशर यूज किया है और इंड्यूस्ड लेबर है, तो उसमें ये हो जाता है इस प्रकार से, उसमें भी यही प्लान रहेगा आमतौर पर, तो कोई इसमें नहीं है, अवगाहन करिएगा बेस्ट, आपको 3-4 दिन में अवगाहन और थोड़ा विरेचन हल्का देने से पेशेंट को रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है, और पीचू जरूर रखिए, पीचू का अल्टीमेट रिजल्ट है इसमें, ओके सो चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं, कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो स्टे कनेक्टेड, नमस्कार सभी।